हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूस पैलेट। आई एम योर शेफ पूनम दीवान। फ्रेंड्स, हम घर पे कढ़ाई पनीर, शाही पनीर काफ़ी बार बनाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ पनीर रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो आज मैं बनाऊँगी एकदम मखमली क्रीमी वाइट ग्रेवी काले मिर्च पनीर। इस पनीर में काली मिर्च का बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर रहता है और ये बनाना काफ़ी सिंपल भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख सकें। एक पैन में आप 3 बड़े प्याज मोटे मोटे काट कर डाल दीजिए। इसके साथ ही हमें डालना है यहाँ पर 2 इंच के करीब अदरक कटा हुआ और 4-5 लहसुन की कलियाँ कटी हुई। आप इन सब चीज़ों को मोटा मोटा काट लीजिए। और हमने यहाँ पर 1.5 हरी मिर्च ली है और इसके हमने बीज निकाल दिए हैं। और इसके साथ हम डाल 2 मोटी इलायची। इसको आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए ताकि इसके बीज भी जो हैं वो अलग हो जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा तेज पत्ता, 10 से 12 काजू आप इसमें डाल दीजिए। आपको मालूम है ये ग्रेवी बहुत ही रिच एंड क्रीमी बनेगी, तो इसके लिए काजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। आप इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब हमें पैन की गैस ऑन करके इस मिक्सचर को ढक कर पकाना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक कि हमारे प्याज एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। आप 1-2 बार ढक्कन हटाकर इस मिक्सचर को चला लीजिए और अपने प्याज को भी चेक कर लीजिए। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है हम पनीर काट लेते हैं। यहाँ मैंने 350 ग्राम पनीर लिया है और अब मैं इसके इवन थोड़े मोटे मोटे पीसेस काट लूँगी। जब भी हम पनीर ग्रेवी बनाते हैं तो पनीर का कट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पनीर एकदम यूनिफॉर्मली पीसेस में कटे होने चाहिए। टेढ़े मेढ़े अगर पनीर कटे होंगे तो हमारी सब्जी देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अभी हमारे पनीर इस तरह से कट गए हैं। अब हम थोड़ा सा नमक लेकर इन पनीर के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि हमारे पनीर एकदम फीके नहीं लगते जब ग्रेवी में हम डालते हैं। तो ये स्टेप भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप थोड़ा सा नमक डाल के और पनीर को हिला लीजिए। आइए अब हम अपने प्याज को चेक करते हैं। ये देखिए, अब हमारे प्याज कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, सब चीज़ें अच्छे से गल गई हैं। अब हम इस मिक्सचर को एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे और इसका सारा पानी जो है वो हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। इस पानी को हमें अपनी ग्रेवी में यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें प्याज की जो मिठास है वो हमारी ग्रेवी को ख़राब कर देगा। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में पलट देंगे और हमारा जितना भी मोटा मसाला था और जो ठीक है बीज वगैरह थे वो हम सब इसमें से निकाल देंगे। इन सब मोटे मसालों को आप ज़रूर निकाल दीजिए, वरना हमारी ग्रेवी का कलर और टेक्सचर एकदम ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ से हरी मिर्चें भी निकाल दीजिए, अदरवाइज़ आपकी ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। और इस मिक्सचर को आप मिक्सी में डाल दीजिए और साथ में हम यहाँ पर 1/2 कप दही डालेंगे। दही एकदम फ्रेश होनी चाहिए या बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। बस अब हम इस सब मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी एंड स्मूथनेस देख सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और अब हम इसमें यह ग्रेवी पलट देंगे। इस ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि इसमें जो हमने अभी दही डाला था उसकी कचास बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस ग्रेवी को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। इस ग्रेवी को पकाते हुए काफ़ी छींटे उड़ती हैं, तो इसलिए हम इस ग्रेवी को ढककर भी पका सकते हैं। आप इस ग्रेवी को पकने दीजिए। अराउंड 8-10 मिनट्स पकाने के बाद ये ग्रेवी का जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा और ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। बस अब इस ग्रेवी को हम बंद करके रख देंगे साइड में। अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 25 से 30 ग्राम बटर डाल देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें अदरक के लच्छे काट के डालेंगे।
यहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक के पतले पतले लच्छे काट लिए थे, और साथ में हम इसमें 1 टीस्पून फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर थोड़ी मोटी मोटी आप इसको क्रश कीजिए। हल्का सा भूनने के बाद जो हमारे पनीर के पीसेस हैं वो हम इस कढ़ाई में डालकर इनको हल्के से सॉटे कर लेंगे। पनीर अच्छे से इन सब मसालों में लिपट जाएगा। आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस सिर्फ पनीर को मक्खन और इन मसालों में कोट करना है। इससे पनीर के अंदर बहुत अच्छा मैरिनेशन आ जाएगा। 2 से 3 मिनट इनको सॉटे करने के बाद हमने जो अपनी ग्रेवी पका कर रखी है वो हम ग्रेवी इसी कढ़ाई में पलट देंगे, और साथ ही इसमें जाएगा 1/2 से 1.25 कप पानी, और हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और डालेंगे। बस अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी का भी डालेंगे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इस पनीर को सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्सॉर्ब करने के लिए छोड़ दीजिए। हम इसे यहाँ पर ढक कर फिर से 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। हमें इस पनीर को सर्व करने से पहले एक इसका बहुत बढ़िया सा बघार बनाना है। इसके लिए हम 1 चम्मच देसी घी एक छोटे से पैन में लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच देगी लाल मिर्च की डालेंगे। ये देगी लाल मिर्च इस घी में बहुत ही अच्छा कलर देगी, और जब हम इस बघार को अपने पनीर के ऊपर डालेंगे तो पनीर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही बढ़िया टेस्ट डेवलप होगा, और हमारा पनीर देखने में और भी सुंदर लगेगा। चलिए अब हम अपना पनीर सर्व करते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी एंड वाइट है, और इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने अपना बघार बनाया है। ये देखिए इसका कलर इस वाइट ग्रेवी पनीर के साथ कितना अच्छा जा रहा है, और आप साथ में स्प्रिंकल कर दीजिए इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। आप इस वाइट ग्रेवी पनीर को लच्छा पराठा, रोटी या नान किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लच्छा पराठा की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब आप जल्दी से ये डिफरेंट पनीर बनाइए और मज़ा लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।